बुरहानपुर के सेवा सदन कॉलेज में निमाड़ की सबसे हाईटेक ई लाइब्रेरी है। यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्य कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी और अन्य विषयों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी निःशुल्क लाइब्रेरी में प्रवेश दिया जाता है। विद्यार्थी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इस लाइब्रेरी में पहुंचकर अध्ययन करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी सुधर रहा है। सेवा सदन कॉलेज में निमाड़ की सबसे हाईटेक ई लाइब्रेरी है। यहाँ पर 35,000 किताबों के साथ कंप्यूटर की भी सुविधा है। जो विद्यार्थी किताब के साथ यदि कंप्यूटर के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। रोजाना एक साथ 200 से अधिक विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में पहुंचकर अध्ययन करते हैं। ये लाइब्रेरी का हाल वातानुकूलित है। यह शुरुआत 2008 में स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने ई लाइब्रेरी की सेवा सदन कॉलेज में शुरुआत की थी। उनका सपना था कि बुरहानपुर जिले के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, इसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस लाइब्रेरी में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्य विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाता है। सेवा सदन कॉलेज अध्यक्ष तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2008 में अध्यक्ष रहते हुए स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह द्वारा विद्यार्थियों को ई लाइब्रेरी की सौगात दी गई थी, ताकि जिले के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए ई लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हैं, जहां पर 200 विद्यार्थी एक साथ बैठकर अध्ययन करते हैं। यह निमाड़ क्षेत्र की सबसे हाईटेक ई लाइब्रेरी है। मेरा नाम उन्नति योगेश पाटिल है। मैं इसी कॉलेज में, सेवा सदन कॉलेज में, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मैं अभी यहाँ पे बुक डिपॉजिट करने आई थी। क्या व्यवस्था वगैरह तो सब अच्छी है इधर? मतलब आप ऊपर स्टडी रूम है, वहाँ पे जाके आप स्टडी वगैरह कर सकते हैं। मेरा नाम देवेश पवन दलाल है। मैं सेवा सदन कॉलेज में BBA फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। सर, आपने जैसे अभी देखा होगा, बहुत काफी बच्चे यहाँ अभी जुड़ रहे हैं लाइब्रेरी के द्वारा। यहाँ इतनी उत्तम व्यवस्था है सर कि आप बैठ के पढ़ सकते हैं। एक अलग से रूम बनाया है जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। AC वगैरह, पंखे वगैरह, वॉशरूम, पानी की पीने की व्यवस्था, सब बहुत कुछ है। एक मतलब किताबें, भरपूर किताबें, नॉलेज के लिए भी है, GK भी है, और कंप्यूटर कंप्यूटर वगैरह भी है वहाँ। और बिल्कुल बाकायदा हर चीज है ऊपर, आपको सब कुछ व्यवस्थित व्यवस्थित मिलेगा। बेंच वगैरह सब व्यवस्थित लगी है। शुल्क वगैरह नहीं, ये निःशुल्क है। देखिए, हमारे स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह का एक सपना था कि बुरहानपुर ज़िले में एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जो कि इंटरनेशनल लेवल की हो, और उसमें बच्चों को निशुल्क एग्ज़ाम कोचिंग, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो यहाँ बैठकर निशुल्क किताब रीडिंग रूम में बैठकर पढ़ सकें। और यहाँ हर प्रकार की किताबें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर कोर्स से लेकर सिलेबस से लेकर सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल है। और बच्चों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है। सवेरे 8 बजे से बच्चे आ जाते हैं रीडिंग रूम में पढ़ने के लिए, शाम में 5 बजे तक बैठकर वो इसका लाभ लेते हैं। सेवा सदन महाविद्यालय में जब ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी इसके अध्यक्ष बने 2008 में, जब से उनका एक सपना था कि शहर के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, उन्होंने बहुत प्रयास किया। इसी प्रयास में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज जीरी में शुगर फैक्ट्री के माध्यम से बनाया, पर सेवा सदन के कैंपस में उन्होंने लाइब्रेरी बनाई जिसमें 35,000 किताबें हैं। और ये लाइब्रेरी ऐसी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सेवा सदन कॉलेज के बस बच्चे ही पढ़ेंगे, पूरे शहर के बच्चे, चाहे वो माइक्रो का बच्चा हो, बीम्स का हो, नेहरू का हो, किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं का भी बच्चा हो, यहाँ पे आज बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। डेली डेली 2-4 बच्चे आवेदन ले आते हैं जिनको हम परमिशन देते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि इतना भर गया कि वहाँ बैठने की जगह की कमी पड़ रही है, और यहाँ से बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छा CA को क्वालिफाई कर रहे हैं, नीट को क्वालिफाई कर रहे हैं, CS को कर रहे हैं, UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए स्पेशल इंटरनेट सुविधा है, 10 कंप्यूटर है, नेट कनेक्शन के साथ वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, फुल्ली AC है, अच्छे माहौल में बैठ के पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे उनका एक गाइड बैठा रहता है, ग्रुप डिस्कशन रूम्स है उनके लिए, और बहुत ही अच्छे माहौल में बच्चे, पूरे शहर के बच्चे आके पढ़ते हैं। यानी खंडवा उंडवा के बच्चे भी यहाँ रूम लेके जो रह रहे हैं वो भी आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और जो ठाकुर साहब का सपना था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।